प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्टचर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडावारा। मैं संस्कृत टीचर, कक्षा छठवी, विषय संस्कृत, षोडशा पाठा, भोजस्य शिक्षा प्रियता, इस पाठ का अभ्यास करवाने जा रहे हूँ। आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। शब्दार्थ आप देखिए, पुराहा यानी प्राचीन समय में, ईदृशः इस प्रकार, कमंडलों पानी रखने के पात्र, अस्तु यानी हो, बहसी ले जाते हो, मत्वा यानी मानकर, बेहरन घूमते हुए, बही बाहर, चर्ममयम चमड़े से बना हुआ, श्रृंखलाई जंजीरों से, अयच्छत प्रदान किया, विप्रहा ब्राह्मण, संप्रति आजकल, ताम्र प्रशस्ति पत्रम तांबे का प्रशंसा पत्र। ये तो आपका अभ्यास शब्दार्थ हो गए। अब आप एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक पदेन उत्तरम लिखत। हाँ देखिए, धारा नगरिया नृपति कहा आसीत, हमें कहा के स्थान पर उत्तर लिखना है। एक पदेन उत्तरम यानी एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो धारा नगरी का राजा कौन था, तो कहा के स्थान पर आएगा भोजह। कहा के स्थान पर क्या आएगा, राजा भोजह। धारा नगरी कुत्र अस्ति, तो कुत्र के स्थान पर आएगा धारा नगरी कहाँ है, तो इसमें आएगा मध्य प्रदेशस्य मालवा देशे। क्या आएगा, मध्य प्रदेशस्य मालवा देशे। अब गा नंबर का, विप्रस्य हस्ते किम आसीत, विप्र के हाथ में क्या था, तो किम के स्थान पर आएगा चर्ममयम यानी चमड़े का बर्तन था। अब एक वाक्य अनुत्तरम लिखत, हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है, लेकिन उत्तर कहाँ बन रहा है, जैसे भोजस्य नाम केन कारणेन प्रसिद्धम, राजा भोज का नाम किस कारण से प्रसिद्ध है, तो केन के स्थान पर इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो किसके कारण प्रसिद्ध है, भोजस्य नाम शिक्षिता नाम सम्मान कारणेन प्रसिद्धा, भोज शिक्षितों का सम्मान करते थे इस कारण से प्रसिद्ध है, तो केन के स्थान पर आएगा। विप्रम अति दरिद्रम ज्ञात्वा राजा किम अप्रच्छत, ब्राह्मण को अधिक दरिद्र जान करके राजा ने क्या पूछा, तो किम के स्थान पर इसका उत्तर आएगा, विप्रम अति दरिद्रम राजा अप्रच्छत यत विप्र चर्म पात्रम किमर्थम हस्ते बहसी, राजा ने कहा हे ब्राह्मण, तुम चमड़े के पात्र को अपने हाथ में क्यों लिए हुए हो। अब देखिए, उच्चारयत कंठस्थम कुरूत चा, अब ये हमको बताना है, आया समझ में। उच्चारयत भू धन कत्वा बराबर भूत्वा, इसका मतलब होता है होकर, ज्ञा धन कत्वा बराबर ज्ञात्वा यानी जानकर, क्रय धन कत्वा यानी कृत्वा यानी करके, श्रू धन कत्वा श्रुत्वा यानी सुनकर, सम धन भू धन ल्याप शंभू यानी होकर, बी धन ज्ञा धन ल्याप विज्ञाय यानी जानकर, बी धन आ धन गम धन ल्याप आगत्य आगत्य याने आकर। हाँ देखिए आगे का प्रश्न, कोष्टकात उचितानी पदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरियत, कोष्टक में दिए गए उचित पदों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, शिक्षिता नाम सम्मानम खाली स्थान भोजाह प्रसिद्धम प्रसिद्धा अवत, आया समझ में। तो इसमें आएगा कृत्वा, शिक्षिता नाम सम्मानम कृत्वा, शिक्षितों का सम्मान करते थे राजा भोज, इसलिए वो प्रसिद्ध थे, राजा प्रसन्नो खाली स्थान तस्मय पुरस्कारम अयच्छत,
तो देखना इसका आएगा, दूसरे का आएगा भूत्वा। भूत्वा यानी क्या होता है, अभी हमने बताया था होकर। राजा ने प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार दिया। लोय श्रृंखलायाः आवश्यकता खाली स्थान कृते अस्ति। तो लोय श्रृंखलायाः आवश्यकता शत्रुणाम् कृते अस्ति। लोहे की जंजीर शत्रुओं को बांधने को बांधते हैं, लोहे की जंजीर की आवश्यकता शत्रुओं को बांधने के लिए पड़ती है। अब पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है। अब सही जोड़ी बनाना है। का नंबर है राजा, राजा का आएगा भूपति से। शत्रु इसका आएगा बैरी से। विप्रह इसका आएगा द्वजः। विनम्र इसका आएगा विनीतः। कुसुमम इसका आएगा पुष्पम से। तो ये अपनी सही जोड़ी बन गई। ये पाठ हमने समझ लिया, ये अपना पूरा हो गया। बेटा जो आपको समझ में नहीं आया वह आप वीडियो में से फिर से देख सकते हैं। वैसे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।